रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध कभी भी एक नया मोड़ ले सकता है। जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के बीच चल रहा यह युद्ध आने वाले समय में यूक्रेन की तरफ भी करवट ले सकता है। जानकारी के मुताबिक सीरिया में हुए गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना के 140 टैंकों को नेस्तानाबूद करने वाले सीरियन लड़ाके ने यूक्रेन की तरफ से लड़ने की बात कही है। सुहेल अल हम्मूद का नाम सीरियाई गृह युद्ध के दौरान सुर्खियों में छाया रहा है, क्योंकि उसने अमेरिकी टैंक रोधी मिसाइलों के जरिए अकेले ही सीरिया सेना के टैंकों को तबाह कर दिया। फ्री सीरियन आर्मी का लड़ाका हम्मूद BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल को चलाने में माहिर है। इस हथियार को चलाने में माहिर होने की वजह से उसे अबू अल ताव का नाम भी दिया गया है। सुहेल अल हम्मूद ने शनिवार को ट्वीट कर यूक्रेन के लोगों के प्रति अपना समर्थन जताया और पूछा कि वो जंग में कैसे शामिल हो सकता है। उसने कहा कि मैं यूक्रेन कैसे जा सकता हूँ, यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर कैसे लड़ सकता हूँ, क्या कोई रास्ता है, क्योंकि मैं तैयार हूँ। अगर ये लड़ाका यूक्रेनी सेना में शामिल होकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो यूक्रेन को बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल इस लड़ाके के पास पहले से ही जंग के मैदान में लड़ने का अनुभव है। ऐसे में अगर इसे टैंक रोधी हथियार थमा दिया जाए तो रूस के टैंकों के लिए आफत आ जाएगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि हम्मूद यूक्रेन जा पाता है या फिर नहीं। गौरतलब है कि यूक्रेन में लड़ाई तेज हो गई है और रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में घुस गई है। सड़कों पर रूसी वाहनों को देखा जा सकता है। ऐसे में इस बात की चिंता बढ़ गई है कि जल्द ही यूक्रेन के इस शहर पर भी रूस का कब्जा हो सकता है। यूक्रेन के अधिकारियों ने भी खार्किव में रूसी सैनिकों की मौजूदगी की बात को स्वीकार कर लिया है। वहीं राजधानी कीव में भी हमला जारी है। यहाँ की कई इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और लोगों ने अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी तक 1.5 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि युद्ध नहीं रुकने पर 40 लाख लोगों का पलायन हो सकता है। उधर दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के लिए भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश रूस के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन ये वार्ता बेलारूस में नहीं होगी। उनका कहना है कि बेलारूस मॉस्को की चल रहे हमले के लिए जमीनी मदद कर रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता से काम बन जाता है या फिर युद्ध का निर्णायक फैसला सैन्य कार्रवाई से ही होगा। फिलहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।